सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी इमेज को फ्लिप कैसे करते हैं। फ्लिप आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, फ्लिप आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिस इमेज को आपको फ्लिप करना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि इस इमेज को हमें फ्लिप करना है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगी। छोटे छोटे सर्कल आपको दिखाई पड़ने चाह रहा होता है, इसका मतलब ये इमेज सेलेक्ट है। जब इमेज सेलेक्ट हो जाएगा तो ऊपर एक नया टैब दिखाई पड़ेगा आपको, फॉर्मेट टैब। यह है फॉर्मेट टैब। ये ध्यान रखिएगा, ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब इमेज आप सेलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्शन हटा देंगे तो ये टैब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हमको चलना है राइट साइड में और यहां देखिए यह है रोटेट का ऑप्शन। इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ठीक है।